अरे अखिलेश, ये तुम्हारी रेस नहीं है, ये तुम्हारी रेस नहीं है। तुम सीएम की रेस में लगो जाके, तुम गलत रेस में आ गए। ये पीएम की रेस है, समझे? पीएम की रेस है। अरे नहीं मोदी चाचा, मैं इसी में लगूंगा। मैं पीएम बनूंगा, पीएम। अरे बेटा, आप दोबारा सीएम तो बन जाओ, तभी पीएम बनोगे तुम। जब तुम सीएम ही नहीं बन पा रहे हो तो पीएम कैसे बनोगे? ये तुम्हारी लाइन नहीं है। अरे मेरी लाइन कैसे नहीं है? कैसे नहीं है मेरी लाइन, ये बताइए मोदी चाचा। ये राहुल भी तो लाइन में लगा है, ये कौन सा इसने पद पा लिया अभी तक? ये तो कुछ भी नहीं बना है। मैं तो सीएम फिर भी बन गया हूँ। और ये योगी जी भी लाइन में लगे हैं, ये भी तो सीएम बने हुए हैं इस टाइम, और पहले मैं सीएम रह चुका हूँ, एक ही बात तो है। देखो अखिलेश, ये बात तुम्हारी समझ के परे है। सबसे मेन राहुल के पापा पीएम थे, तो वो भी पीएम बनेगा, कभी भी बने। तुम्हारे पापा सीएम थे तो तुम सीएम बने, और सीएम ही बनते रहोगे। और रही योगी जी की बात, उनकी तो बात ही अलग है, वो कब सीएम बन गए और कब पीएम बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और योगी जी, हमने तो अभी 1, 2, 3 भी नहीं बोला, तुम पहले से पहले आगे आ गए भागकर। इस बार जो जीतेगा इस रेस में वो पीएम का हकदार होगा, पीएम का टिकट उसी को मिलेगा। अरे मोदी चाचा, इस बार मैं तो तुम्हें हरा कर रहूंगा इस बार मोदी चाचा। अरे तुम क्या हराओगे मुझे, कल की भूल गए? कल ही तो मैंने तुम्हें ट्रैक्टर की जंग में हराया था, हर जंग में तुम्हें हराऊंगा। तुम हो जरूर इस रेस में, लेकिन मेरी नजर में मैं तुम्हें इस रेस से बाहर समझता हूँ। हम क्या करें, घास काटें या बकरी चराएं? हमारे लिए और क्या काम बचता है ये बताओ? कभी ना कभी तो हम जीतेंगे। जीतोगे बेटा, जरूर जीतोगे, 50-60 साल बाद जीतोगे। और भाई लोगों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरे लालू जी, मेरे बैलों के सामने से हट जाओ, मैं खेत की जुताई कर रहा हूँ, हट जाओ। कैसे तुम जमीन में नीचे बैठ गए, बजे तो बताओ क्या बात है? अरे मोदी जी, जानते सब कुछ हो और जानबूझकर अनजान बनते हो। मोदी जी, कल आपने मुझसे वादा किया था कि सुबह ही मेरे खेत की जुताई करोगे, लेकिन आज मैंने देखा तुम बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई कर रहे हो। मेरे खेत की जुताई क्यों नहीं कर रहे हो ये बताओ? लालू जी, बेफालतू की तो बातें किया मत करा करो। मैंने तुमसे क्या कहा था कल? मैंने कहा था कि सुबह ही मेरे घर आ जाना, सुबह ही अपना दोनों लोग मेरे हल बैल को लेकर आपके खेत की जुताई करने के लिए चलेंगे, लेकिन तुम मेरे घर पर नहीं आए। मैंने तुम्हारा 9 बजे तक इंतजार किया, फिर बाबा रामदेव जी मेरे घर पर आ गए, ये बोले चलकर मेरे खेत की जुताई कर दो, तो मैं इनके खेत की जुताई करने के लिए चला आया। और जैसे ही मैंने बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई करना शुरू की, तुम यहाँ पर आ गए, बोले मेरे पहले खेत की जुताई करो। ऐसा कैसे हो जाएगा? सुबह पहले क्यों नहीं आए आप? चलो मोदी जी, लालू जी आपके घर पर नहीं आए थे, मैं तो आपके घर पर आज सुबह गया था, आपने मुझे ये कहकर भगा दिया कि थोड़ी देर बाद घर पर आना। और यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ कि आप बाबा रामदेव जी की खेत की जुताई कर रहे हो। राहुल, उसे सुबह नहीं गए थे, रात के 3 बजे तुम मेरे घर पर पहुँच गए, अंधेरा था चारों तरफ, तो क्या रात के 3 बजे मैं हल बैल लेकर आ जाता खेत पर तुम्हारे? इसीलिए मैंने कहा कि कुछ देर बाद आना, अब तुम आ रहे हो जब मैं बाबा रामदेव जी की खेत की जुताई करने लगा। अरे भाई, लालू जी तो मेरे घर पर आए नहीं और तुम आए रात के 3 बजे। बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे मेरे घर, सुबह के 9 बजे लगभग मैं इनके साथ चला आया खेत की जुताई करने के लिए। अरे लालू जी, तो अब तो हट जाओ आप नीचे जमीन में से, अब तो बाबा रामदेव जी के खेत की आधी जुताई हो चुकी, इनके पूरे खेत की जुताई हो जाने दो, फिर आप अपने खेत की जुताई करवा लेना। योगी जी, बात ये नहीं है, मैं मोदी जी से जब भी खेत की जुताई करवाता हूँ सबसे पहले पैसे देता हूँ, लेकिन पता नहीं ये मेरा खेत की जुताई क्यों नहीं करते। अब देखो, एक दिन पहले मैंने कह दिया था, फिर भी ये बाबा रामदेव जी के खेत की जुताई करने के लिए चले आए। हालांकि सुबह मैं नहीं पहुंचा, सुबह इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन कम से कम मेरा इंतजार तो करते। लालू जी, बुरा मत मानना, ये आपका कितनी देर इंतजार करते। अरे सुबह से 9 बजे तक तो इन्होंने इंतजार किया, जब आप नहीं आए तो ये मेरे खेत की जुताई करने के लिए आए। अगर आप नहीं आते तो इनकी तो आज की कमाई चली जाती। और बैलों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जोर से खींचो इस वाटर पंप को, जोर से खींचो, ताकत से खींचो। कैसे खींच रहे हो तुम? सही तरीके से इस वाटर पंप को खींच ही नहीं पा रहे हो। अरे मोदी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक तो आपके वाटर पंप से हम अपने खेत में सिंचाई करने के पैसे देते हैं, ऊपर से इस वाटर पंप को आप हम ही से खिंचवाते हो। अरे लालू जी, खड़े खड़े मुँह देख रहे हो, थोड़ा सा धक्का लगा दो इस वाटर पंप पे, वाटर पंप बिल्कुल खींचे से नहीं खींच रहा है। देखो राहुल, मैं तुम्हें साफ से एक बात बताऊं, इस गांव में सिर्फ एक ही वाटर पंप है मेरा, और मैं किराए पर ही अपना वाटर पंप चलाकर लोगों के खेत की सिंचाई करता हूं। अब जिसको अपने खेत की सिंचाई करवाना है तो उसी को इस वाटर पंप को खींच कर ले जाना पड़ता है, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। ये बताओ, इस वाटर पंप को अकेले मैं खींच कर थोड़ी ले जाऊंगा तुम्हारे खेत पर? जल्दी से इस वाटर पंप को खींच कर अपने खेत पर ले चलो, तुम्हारे खेत की सिंचाई करने के बाद मुझे लालू जी और बाबा रामदेव जी की खेत की सिंचाई करना है, जल्दी खींचो इस वाटर पंप को। अरे मोदी जी, कम से कम अच्छी
अभी सिंचाई का आपका नंबर है, अगर आप सिंचाई नहीं करवाना चाहते हो तो इस वाटर पंप को छोड़ दो। देखो योगी जी अकेले ही खींच कर ले जाएंगे इस वाटर पंप को अपने खेत पर। अरे मोदी जी, आप बार बार योगी जी और बाबा रामदेव जी के खेत की सिंचाई की बात कर रहे हो। अरे मैं भी तो खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं तो इन योगी जी और बाबा रामदेव जी से पहले खड़ा हुआ हूँ। मेरे खेत की सिंचाई होना है इस राहुल के खेत की सिंचाई के बाद। राहुल, अगर तुम सही तरीके से इस वाटर पंप को नहीं खींच पा रहे हो तो छोड़ो, मैं अपने खेत पर खींच कर ले जाता हूँ इस वाटर पंप को सिंचाई के लिए। अरे मोदी जी, आपने वाटर पंप से सिंचाई के रेट बहुत बढ़ा दिए, रेट तो कम करो आप। आप एक बीघा खेत की सिंचाई के पूरे 500 रुपए लेते हो, गांव में किसी दूसरे का वाटर पंप नहीं है उसी का तो फायदा उठाते हो आप। योगी जी, मैं तुमसे जबरदस्ती करता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे सिंचाई नहीं करवाना है तो मत करवाओ। योगी जी, अभी धड़ाके की बारिश हो जाए तो मोदी जी अपना ये वाटर पंप लेकर घर बैठ जाएंगे, कोई सिंचाई करवाने वाला नहीं होगा, खेतों में लबालब पानी हो जाएगा। वो तो जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक लोग सिंचाई करवा रहे हैं, क्योंकि बिना पानी के खेत सूख रहे हैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।